अस्सलाम वालेकुम भाइयों, सीन कुल मिला के ये है कि ज़िंदगी फिर भी को थोड़ी बहुत खुशगवार रहती है जब हम आ रहे होते हैं लियाकताबाद से, लेकिन फिर हम पहुंचते हैं यकायक तीन अट्टी। आगे जो सीन बदलता है, क्योंकि आगे है ख़याबान जहांगीर रोड फेज़ 8, और यहाँ जो शाकाहारी रोड है, अल्लाह माफ़ करे, आपको यहाँ रोज़ ट्रैक्टर चलता हुआ दिखेगा। कभी कभी तो आपको लगेगा कि शायद ये इसलिए चल रहा है कि सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर गंदम की फसल बोने वाली है, लेकिन फिर आप बोलोगे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो चलो किसी आवाम का फ़ायदा ही हो जाए, आटा सस्ता मिल जाए गंदम के चक्कर में। ये आप चेक कर सकते हैं, ये है जहांगीर रोड, जहाँ जहांगीर साहब अगर ख़ुद भी आ जाएं तो सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे कि इस सड़क का नाम मेरे नाम से फौरन हटाया जाए, वरना मैं तुम लोगों को कोर्ट में ले आके तुमको सू सू कर दूंगा। एक बार सू में तो काफ़ी नहीं रहेगा, बार बार सू सू करूँगा, क्योंकि हालत और ज़ार जो है ना इस रोड की बड़ी मखदूश है। और आप चेक कर सकते हैं, पहले हम यहाँ खड्डे ढूंढ के चलाते थे कि साफ रोड पे चला पाएँ, अब हम डामर ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं डामर दिख जाए तो वहाँ पर बाइक का गाड़ी का टायर डालें कि शायद कुछ इज्जत रह जाए। ये आप चेक करें, हसीन शाकाहार है, इसका टेक्सचर जो है ना वो आपको आसारी। ये देखें, देखते ट्रैक्टर चल रहा है, आप हरगिज़ ये नहीं समझिएगा कि यहाँ फसल उगने वाली है, ये ट्रैक्टर यहाँ रोज़ चलता है भाई, हर दूसरे दिन चलता है। अभी यहाँ रोशनी नहीं है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, आपको खड्डे दिख नहीं पा रहे, हमारी बाइक की लाइट भी इल्ला माशाल्लाह। आप ये चेक करें, ये रोड मुर्तज़ा वहाब ने जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ने जानबूझ के नहीं बनाया, आज बेचारा रिज़ाइन करके चला गया, उसकी याद में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये जानबूझ के उसने नहीं बनाया। क्योंकि देखें, इस रोड पर आप अपने बुज़ुर्ग को लाएँ और किसी भी अधेड़ उम्र बंदे को लाएँ तो उसके दिल के जो वॉल है ना वो बग़ैर ऑपरेशन के खुल जाएंगे, जितनी चोक आर्टरीज़ है ना उसकी वो बग़ैर उसके खुल जाएंगी। ये रोड देखें आप, ये शाकाहारिक रोड है, इस रोड को देख के आपने हरगिज़ ये नहीं समझना कि हम चांद पे आ गए और पानी की तलाश में निकले। ये रोड है जहांगीर रोड, वन ऑफ़ दी बेस्ट रोड इन आवर टाउन, और इस रोड पे बड़े तजुर्बात हुए हैं, उनमें मैं क्या जाऊँ, लेकिन रिसेंट पास में जो 6 महीने से ज़्यादा का दौर गुजारा मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उन्होंने